देखने में जितनी खूबसूरत उतनी खतरनाक है ये लेडी सोल्जर। इजराइल की लेडी सोल्जर पल भर में दुश्मन को उतार देती है मौत के घाट। भारत की महिला सोल्जर से डरता है पाकिस्तान। इनके होते हुए घुसपैठ करना है नामुमकिन। दोस्तों, कौन कहता है कि खूबसूरती सिर्फ ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी महिलाओं में पाई जाती है। हम आपको ऐसी महिलाओं के बारे में बताएंगे जो ना तो फिल्म सिटी से जुड़ी होती हैं और ना ही ग्लैमर वर्ल्ड से, बल्कि ये खूबसूरत बालाएं हैं खतरनाक लेडी सोल्जर्स जो जंग के मैदान में भारी भरकम हथियारों के साथ उतर कर दुश्मनों को मौत की नींद सुला देती हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत देश हैं जिनकी सेना में महिलाएं शामिल हैं, लेकिन इसराइल के लिए कहा जाता है कि इसकी सेना की लेडी सोल्जर्स जितनी खूबसूरत होती हैं वो उतनी ही खतरनाक भी होती हैं। ये दुश्मनों को मौत के घाट भी उतार देती हैं और उसे पता भी नहीं चलता। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे ये खूबसूरत चेहरे जो किसी के भी होश उड़ा दें, वो सीमा पर अपनी जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा करती हैं और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती हैं। इसके साथ ही जानेंगे कि भारत में महिला सैनिकों को लेकर क्या स्थिति है, तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इजराइल एक ऐसा देश है जिसकी गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में होती है। अपने मजबूत डिफेंस सिस्टम की बदौलत इजराइल आज सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार है। चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा होने के बावजूद भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो इजराइल पर हमला कर सके। किसी भी दुश्मन देश को इजराइल पर हमला करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। अपने घातक टैंकों और मजबूत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से इजराइल ने दुनिया में अलग पहचान बनाई है। यहाँ की सेना की बात की जाए तो इजराइल की सेना को दुनिया में सबसे ज्यादा बहादुर माना जाता है और यहाँ की लेडी सोल्जर्स जहां अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हैं, वहीं उनकी बहादुरी के किस्से भी हर जगह छाए रहते हैं। ये महिला सैनिक देखने में किसी हीरोइन से कम नहीं लगती, लेकिन ये उससे कई गुना खतरनाक भी हैं। बड़े बड़े आतंकवादी महिला सैनिकों से थर थर कांपते हैं। आज हम आपको इजराइल की कुछ ऐसी ही महिला सिपाहियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनकी खूबसूरती देख कर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे। इजरायली सेना की इन खूबसूरत और खतरनाक महिला सैनिकों को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि आज के समय में महिलाएं किसी भी मामले में अब पुरुषों से पीछे नहीं हैं। दोस्तों, इजराइल की सेना में लड़कियों के शामिल होने के पीछे कई वजह हैं। इजराइल में एक कानून है जो कि वहां के रहने वाले हर एक व्यक्ति को मानना पड़ता है। दरअसल इसराइल में नियम यह है कि वहां रहने वाले हर परिवार में से एक सदस्य को आर्मी में आना जरूरी होता है। यहां महिलाओं को 18 साल की उम्र में कम से कम 2 साल के लिए अनिवार्य तौर पर मिलिट्री में शामिल होना पड़ता है। महिलाओं के आर्मी में ज्वाइन होने के पीछे एक वजह यह भी है कि यहां लड़कियां सेना में शामिल होकर खुद को खुशनसीब समझती हैं। इसराइल कभी अपने देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करता। यही वजह है कि इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों में से एक है, जिससे हर दुश्मन कांपता है। मोसाद में भी महिलाओं की हिस्सेदारी 40% है। इस खुफिया एजेंसी में ऐसी ऐसी खूबसूरत महिलाएं हैं जो फ्लर्ट करके दुश्मन से सारे खुफिया राज उगलवा लेती हैं। वहीं पिछले कुछ सालों में इजरायली सेना की लड़ाकू इकाइयों में भी कई महिला योद्धाएं शामिल हुई हैं। इसके अलावा ये महिला सोल्जर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और कई महिला सोल्जर इंटरनेट पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं और मस्ती करते हुए उनकी ग्लैमरस फोटोज भी काफी वायरल होती हैं। इसराइल में महिलाओं को कॉम्बैट रोल में आने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी है। कुछ महीनों पहले ही इसराइल की सेना ने एक बदलाव के तहत लेडी ऑफिसर्स को मंजूरी दी है। अब इस देश की महिलाएं भी कई दशकों बाद उस रोल में नजर आ रही हैं जिसके बारे में उन्होंने बस कल्पना की थी। इसराइल की सेनाओं ने कॉम्बैट रोल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। लेडी ऑफिसर्स को अब आर्टिलरी, एयर डिफेंस, घरेलू मोर्चे और अन्य कमानों में कॉम्बैट रोल में लाया गया। इसराइल ने लेडी ऑफिसर्स को कॉम्बैट रोल में लाकर पुरुष सैनिकों को फ्रंट यूनिट से आजाद करने का फैसला किया है। इसराइल डिफेंस फोर्सेज में महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका रही है। साल 1948 में जब इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया, तब से ही महिलाएं सेनाओं में सेवा दे रही हैं। हालांकि इन्हें कॉम्बैट रोल में लाने का फैसला बहुत बाद में हुआ है।
इसराइल दुनिया के उन 9 देशों में शुमार है जहां पर महिलाओं के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य होती है। मगर ये बात भी गौर करने वाली है कि सिर्फ यहूदी महिलाएं ही सेनाओं में शामिल हो सकती हैं। साल 2021 तक इसराइल डिफेंस फोर्सेज में महिलाओं की भागीदारी 40% से ज्यादा है। साल 2018 में करीब 10,000 महिलाओं को परमानेंट कमीशन मिला था। इजरायली मिलिट्री के आंकड़ों के मुताबिक साल 1962 से 2016 तक देश की सेवा करते हुए 535 लेडी सोल्जर्स ने अपनी जान गंवा दी। इस बात से ही आप उनकी बहादुरी का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं साल 2001 तक महिलाओं ने 5 साल तक की बेसिक ट्रेनिंग के बाद वीमेंस कोर में सर्वे किया, जिसे हिब्रू में चैन के नाम से जानते हैं। साल 2011 के आंकड़ों के मुताबिक इजरायल डिफेंस फोर्सेज के 88% पद महिलाओं के लिए तय किए गए थे। साल 2014 में इजरायली सेनाओं की तरफ से जानकारी दी गई थी कि 4% से भी कम महिलाएं कॉम सेट रोल, जैसे कि लाइट इन्फेंट्री और हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर पायलट्स की पोजीशंस पर हैं। साल 2020 में 55% महिलाओं को IDF में शामिल होने के योग्य माना गया था। यहां 18 साल की उम्र से ही इनकी भर्ती शुरू हो जाती है। नॉन कॉम्बैट रोल के लिए 24 महीने की सर्विस होती है, जबकि कॉम्बैट रोल में 30 महीने तक सेवा देनी होती है। महिला सैनिकों के मामले में अगर भारत की बात की जाए तो साल 2008 में यहां महिलाओं को BSF में शामिल किया गया था। वहीं साल 2013 में BSF ने बॉर्डर पर महिलाओं की तैनाती का फैसला लिया। इस समय करीब 100 से ज्यादा BSF महिला कर्मी सरहद पर तैनात हैं। हथियारों से लैस पैनी नजर ऐसी कि दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकता। BSF की ये महिला प्रहरी दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर समय तैयार रहती हैं। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, वो हर मौसम में देश की सेवा और बलिदान को तैयार रहती हैं। बाघा बॉर्डर पर तैनात ये महिला सैनिकों ने देश की सुरक्षा करने की जो शपथ ली है, वो उसे अंतिम सांस तक निभाना चाहती हैं। उनका कहना है कि वो सोच समझकर ही सेना में आई हैं। यहाँ आकर पता चला कि सेना में महिलाओं का कितना सम्मान है। पहले सिर्फ ऑफिशियल या नर्सिंग जॉब के लिए महिलाओं को रखा जाता है, लेकिन अब बॉर्डर पर दुश्मनों की आंखों में आंख डालकर BSF की महिला खड़ी ही रहती हैं। वहीं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भी भारत की महिला सैनिक पीछे नहीं हैं। यहां भारत पाकिस्तान सीमा से सटे अखनूर, अरनिया और आरएसपुरा जैसे सबसे संवेदनशील इलाकों में इन दिनों BSF महिला सोल्जर्स ने अपनी निगाहें गड़ा रखी हैं। इन इलाकों में लगे वॉच टावर्स में BSF की महिला सोल्जर्स अपने कंधे पर राइफल टांगे हुए लगातार कई घंटों तक सीमा पर दुश्मनों की हर हरकत पर निगाह रखती हैं। इन महिला सोल्जर्स की माने तो वो जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के खिलाफ हर एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन इलाकों में तैनात BSF की इन महिला सोल्जर्स में 23 में से 30 साल तक की महिलाएं शामिल हैं, जिसमें से कई शादीशुदा भी हैं। कुछ अपने परिवार के साथ बटालियन हेडक्वार्टर्स में रहती हैं, जबकि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपने पति, बच्चों और परिवार से दूर रहकर बॉर्डर पर देश की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया। ये महिला सोल्जर्स देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हैं। ये महिला सोल्जर्स सुबह की पहली किरण के साथ ही इंसास राइफल्स अपने कंधे पर लेकर बॉर्डर चेक पोस्ट की तरफ निकल जाती हैं और वहां से पाकिस्तानी रेंजर्स पर पैनी निगाह रखती हैं। यदि बॉर्डर के उस पार से किसी ने गोली चलाने जैसी नापाक हरकत की तो बिना हिचकिचाए ये सोल्जर्स उनको सबक सिखाने के लिए अपने बंदूक का ट्रिगर दबाने के लिए तैयार रहती हैं। इनकी बहादुरी की जितनी तारीफ की जाए उतने ही कम है, लेकिन तारीफ के हकदार इनके घर वाले भी हैं, जिन्होंने उन्हें अपना करियर चुनने की पूरी आज़ादी दी। गौरतलब है कि जम्मू में 192 किलोमीटर के दायरे में करीब 90 लेडी जवान तैनात हैं। इनके हौसले और जज्बे को देखकर तो यही लगता है कि भारत माता की ये बेटियां अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।